प्रेम प्रसंग को लेकर गुस्साए लड़की के घर वालों ने लड़के के परिवार वालों पर की फायरिंग। लड़के के परिवार के चार लोगों पर की फायरिंग, बाल बाल बचे घर के सदस्य। ताजा मामला बेगूसराय जिले के लोहिया नगर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 28 निवासी रामबालक सानी के पुत्र मनीष सानी का है। मनीष सानी प्रेम प्रसंग बछवारा थाना क्षेत्र में गोदना की एक लड़की से करता है। पीड़ित के द्वारा बताया जा रहा है कि युवक युवती आपस में प्रेम करते हैं, जिसको लेकर लड़के पक्ष वाले विरोध जताते रहे। 21 मई 2021 को लड़के पक्ष के लोग प्रेमी मनीष को बछवारा बुलाकर बेरहमी से पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, मनीष को चोरी के आरोप में भी पिटाई किया गया, जबकि मनीष बार बार प्रेम प्रसंग का बात बता रहा था। लोहिया नगर पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। बीटी न्यूज बिहार के लिए अमरेश कुमार की रिपोर्ट। हम लोग जो है करीब घटना हुई 13 तारीख को, और उससे पहले घटना घटी थी 21 तारीख को। मैं छोटा भाई को बुला के वो लोग जो है मैंने पहले मारपीट किया और मारपीट करके वीडियो वायरल कर दिया। उसके बाद फिर जो है वो लोग मतलब 13 तारीख को जो है पिछले महीना जो है 13-5 को वो लोग आके मेरे घर पे आके फायरिंग किया। 13 तारीख छठा महीना में वो लोग लगभग 10-12 राउंड गोली चलाया और धमकी दिया जान से मार देंगे। उसके बाद हम लोग जो है तुरंत जो है थाना पापा एक फ़ोन करके मैंने बराबर बुलाया और बराबर जो घटनास्थल पर खोखा बरामद कर लिए। और बरामद करने के बाद जो है वो लोग बोले सुबह आओ, सुबह आके जो है वो लोग जो है एफ आई आर जो होता है अपने मनमा ढंग से अपने बनवाए हैं। और उसके बाद अपराधी को अभी तक पकड़ कर नहीं हुआ है और बार बार धमकी दिया जा रहा है केस उठाओ। ये एसपी साहब के और डीएसपी साहब से हम लोग करीब 5-6 बार आ चुका हूँ और कई बार मुलाकात नहीं हो पाई है अभी तक में। इसलिए मैं फिर जो है आवेदन देने आया हूँ कि सर उस पर उचित कार्रवाई किया जाए। अभी तक नहीं हुआ अपराधी का, सभी अपराधी को पकड़ नहीं होने के कारण जो है वो लोग का मनोबल बढ़ा हुआ है। वो लोग धमकी दे रहा है कि कुछ होने वाला नहीं है, थाना पुलिस हम लोग मैनेज कर लिए हैं, कोई कुछ होने वाला नहीं है। अपराधी लोग बोल रहा है, हुसैन सानी बोल रहा है, हुसैन सानी है, धीरज कुमार है, विक्की कुमार है, ये सभी जो अपराधी है जो ये सब बोल रहा है कि हम लोग थाना पुलिस मैनेज कर लिए हैं। वो लोग गोलीबारी करना मतलब जो है वो चाहता जबरदस्ती को मैंने शादी ब्याह मतलब करे, हम लोग नहीं चाहते। हम लोग जो डाला है वो लोग जो है मतलब केस बोलता है उठाने के लिए, धमकी देता है केस उठाओ। और वो लोग राजद का नेता है, आरजेडी का वो लोग नेता है जो पैरवी पैगाम कर रहा है, सभी जगह पैरवी कर रहा है और केस में से नाम करवाने का प्रयास कर रहा है। हम लोग तो क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तार किया जाए। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। तो यहाँ पर आप आए हैं डीएसपी या एसपी से किन्हीं से मुलाकात हुई? नहीं, 5-6 बार आ चुका हूँ, आवेदन ले लिए लेकिन कोई कार्रवाई भी नहीं हुई और अभी तक ना मुलाकात उनसे हो पाई है। आपका घर कहाँ है सर? लोहिया नगर थाना ओपी लोहिया नगर। प्रेम प्रसंग का मामला था, प्रेम प्रसंग का मामला है, मामला 13 तारीख को मेरे घर पे गोलीबारी हुआ। उससे पहले हमको 21-5 को रात बुलाया गया वहाँ पे, हुसैन सानी बुला के हमारे साथ मरम पिट्टी किया, बिक्की रोकी बुरी तरह से मारा है, पूरा कपार फाड़ दिया, उसका भी वीडियो वायरल किया था, चोरी का इल्ज़ाम हम पर लगाया था वहाँ बुला। उसके बाद हम लोग वहाँ थाना पर बछवाड़ा थाना पर हम लोग को सुपुर्द किया, वहाँ से फिर हमारे घर के गार्जियन गए, वहाँ से फिर हमको लेके आ गए। वहाँ केस मुकदमा नहीं कहीं कोई तरह का बात, वो आपसे समझौता हो गया आपस में। उसके बाद मेरे घर पे 13-6 को रात्रि 11 बजे के समय में लगभग मेरे पर बुला के नाम मनीष कुमार का गर्म गाड़ी करके गोली बारूद में मेरे ऊपर किया गया, जिससे हम बच गए बाल बाल। मेरे भाई पर, मेरे भाभी पे, मेरे बच्चे भतीजा पर सब पे गोली बारूद आंधू पूरा बुरी तरह से हुआ। उसके बाद वो केस हम लोग थाना में किए जाके बराबर वो केस हमसे लिए, अप्लीकेशन जो लिखवाए हमसे अप्लीकेशन बोले क्या वो गलत सही लिखते हैं, तुम भी फंस जाएगा, जबकि खोखा बरामद अपने से आए लेके गए। उसके बाद ये कहा कि नहीं तुम लोग प्रस्तुत किए हैं, वहाँ पर केस भी अगले आदमी से मिल के केस भी हल्का कर दिए हैं हम लोग का, ना अभी तक पकड़ धकड़ हो रहा ना उस पर कहीं कोई तरह का कार्रवाई हो रहा है। अभी हम लोग का यही कि हम लोग को धमकी दे रहा है उधर से, कहता केस उठाओ नहीं तो जान से मार देंगे। हम डर से कहीं निकलते नहीं घर से, परिवनी में दुकान पर नहीं जाते हैं, यही डर से हैं, सोचते कहीं हमको मार देगा। यही कि वो लोग को पकड़ धकड़ कर किया जाए, अभी तक कोई पकड़ धकड़ नहीं किया। प्रेम प्रसंग किनके साथ है? आपके साथ? जी मेरे साथ था। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। पिता का नाम? जी राम बालक सानी। कहाँ घर पड़ता है? लोहिया नगर। जिला? बेगूसराय।
जी 13 तारीख को मेरे घर में आके गोली मारी किया है रानी गोदना से। उससे पहले 21 तारीख को मेरा देवर को बुला के, मतलब पूरी भूषण का बेटी उठी जो है, जिसे प्यार करता है वो बुलाया गया था। बुला के मेरा देवर को, उसका परिवार जो भाई है, जो बड़े पापा है, मैंने जो सब है पूरा उसका फैमिली बुरी तरीका से मारा है, मतलब पूरा मार ही दिया था समझिए। मार उड़ के तो हम लोग को तकनी कुछ बोले नहीं है, तो मेरा देवर को लेके चला है। उसके बाद 13 तारीख को रात को पूरा, मतलब मेरा देवर का नाम लेते हो पूरा रंगबाजी की तरह, पूरा चुरी करते करते गोली फायरिंग बहुत सारा किया। जैसे मेरा छोटा बच्चा बाल बाल बचा है, ये देवर जी बाल बाल बचा है, उसके ऊपर कोई, हम लोग 4-5 बार एसपी ऑफिस आ चुके, हर जगह से जा रहे घूम घूम के, लेकिन कोई मतलब काम नहीं हो रहा। ऊपर से कल परसों धमकी दिया गया है, केस उठाओ नहीं तो देवर को जान से मार देंगे। इस डर से देवर बरौनी में मैंने फूल पत्ती का दुकान खुल ले हैं, उस डर से तो उसको बाहरों नहीं निकाला दिया जा रहा है। इसीलिए आते हैं कि अपराधी को पकड़ धकड़ करें, मार मतलब मारपीट जो किया है, गोली मारी किया, सही जाँच करके तो पकड़ धकड़ करें। उन लोग को बोला जाता है, वो लोग सीधा आम बोलता है कि जो करना है कर लो, कुछ नहीं हो पाएगा। लोग आम मतलब धमकी देता है, जो करना है कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। जी मेरा नाम पूजा कुमारी, संजय कुमार, थाना लोहिया नगर बेगूसराय। यह मामला है, उस दिन गोली बारू चला चलवे किया, उस दिन गोली बारू आवेदन लिख कर दिया, अखन तक में पुलिस पकड़ धकड़ नहीं करा, फिर धमकी पर धमकी फेन दे रहा है तुमको बेटा जान से मार देंगे, केस उठा। क्या मांग करना चाहते? हम चाहते हैं कि जो उस लोग को पकड़ धकड़ को जेल दिया जाए।